नमस्कार दोस्तों, आज के आर्टिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल है द हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। ये जो लेख है ये मद्रास हाई कोर्ट के वकील साहब ने लिखा हुआ है। आइए अब हम आर्टिकल पे आते हैं। दोस्तों, हिजाब केस कोई अपरिचित केस नहीं होगा, आप सबने इसके बारे में सुना होगा। बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे चैनलों पर इनको लेकर बहुत बकवास हुई है, लेकिन हमें उस बकवास पे नहीं जाना है। हमें इसमें जो सम्मिलित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट हैं, जो देश के और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर हम चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल की शुरुआत में संक्षेप में लेखक ने पुरानी पूरी बातें बताई हैं। कर्नाटक में एक कानून आया था जिसमें समान शिक्षा व्यवस्था और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की बात की गई थी। उस कानून के बेस पर कुछ शिक्षण संस्थाओं ने हिजाब पर बैन लगा दिया, और जब हिजाब पर बैन लगाया गया तो कुछ विद्यार्थियों ने उसे कोर्ट में चुनौती दी। लोकल कोर्ट ने बैन को सही ठहराया तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, और कर्नाटका जो हाई कोर्ट था उसने लोकल कोर्ट के लोअर कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया, सही माना। इसके बाद उन विद्यार्थियों ने उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच में अभी इसकी सुनवाई चल रही है। इसमें जो शामिल प्रमुख बिंदु हैं वो हैं राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्शियंस एंड रिलीजन, और दूसरी बात है इम्पैक्ट ऑन द राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ मुस्लिम वुमन। तो जो विद्यार्थियों हैं उनकी अभिव्यक्ति, धर्म, अंतश्चेतना, इसकी स्वतंत्रता का मुद्दा है। और एक मुद्दा ये भी है कि ये जो कानून है और इसके अंतर्गत जो बैन लगाया गया है उसका मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा उठकर आया है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि जो कर्नाटक का हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट ने कहा क्या। हाई कोर्ट की तीन मुख्य फाइंडिंग्स थी। पहली फाइंडिंग थी द यूज ऑफ हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, दस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वॉज नॉट वायलेटेड। मतलब जो हिजाब है वो हिजाब इस्लाम की आधारभूत मान्यताएं जो है उनमें शामिल नहीं है, और चूंकि वो आधारभूत मान्यताओं में शामिल नहीं है इसलिए वो धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में उसका उल्लेख करना उचित नहीं है, और अगर हिजाब पर बैन लगाते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का कोई भी उल्लंघन नहीं होता है। ये पहली बात कोर्ट ने कही। दूसरी बात कोर्ट ने कही, देयर एग्जिस्ट नो सब्सटेंटिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड अ क्लासरूम, एंड देयरफॉर दीज राइट वर सिंपली नॉट एट स्टेक हियर। उन्होंने कहा क्लासरूम एक अलग माहौल है, वहाँ प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम की बात करने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, और इसलिए इन मुद्दों की यहाँ बात नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, संभवतः ये कोर्ट ने इस भाषा में ना कहा हो, इस आर्टिकल में लिखा है, क्योंकि ये प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि इस तरह की भाषा कोर्ट प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरी बात जो प्रमुख रूप से कही गई वो थी द बैन डिड नॉट स्टेम डायरेक्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑर्डर विच ओनली कॉल्ड फॉर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एंड हैंस द लॉ डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट मुस्लिम स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये तीसरा बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि जो लॉ आया था, कानून आया था, उसने केवल यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात की थी कि सारे स्कूलों में स्कूल के सारे बच्चों के लिए एक सी ड्रेस होनी चाहिए, और वो ड्रेस कोड या तो स्टेट अर्थात राज्य या स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी कोई भी लागू कर सकता है। जिस मामले में विवाद हुआ था वहाँ स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी ने इसे लागू किया था। तो कोर्ट का कहना है कि चूंकि इसमें हिजाब बैन के अलग से कोई बात नहीं की गई थी, ना ही मुस्लिम की बात थी, ना ही हिंदू की बात थी, इसलिए इस नियम में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं, और जब बात ही नहीं थी तो ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा। अब दोस्तों, आगे जो हमारे राइटर हैं वो इसमें समस्याओं की बात करते हैं। तो जो इस एडिटोरियल के लेखक ने मुद्दा उठाया है
वो पहला मुद्दा तो उठाया है कि धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है, और जो जज हैं उनकी विशेषज्ञता नहीं होती कि वो निर्धारित कर सके, उनकी विशेषज्ञता कानून में होती है, जबकि एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जो है वो ये उम्मीद करता है कि जज धर्म के मामले में भी विशेषज्ञ हों। दूसरा उन्होंने मुद्दा ये उठाया है कि अगर ये जो 3 बिंदु कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था, इनमें से 3 में से एक भी बिंदु गलत हो जाता है तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय है वो सीधे सीधे क्वैश हो जाएगा, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इसमें जो लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है और हमारे काम की है और वास्तव में मायने रखती है, वह है एनालिसिस वॉज नेवर कंडक्टेड बाय हाई कोर्ट बिकॉज इन इट्स बिलीफ क्लासरूम आर क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस वेयर इंडिविजुअल राइट्स मस्ट गिव वे टू द इंटरेस्ट ऑफ जनरल डिसिप्लिन एंड डेकोरम। ये जिस बिंदु की मैं बात कर रहा था कि क्लासरूम में प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के राइट मायने नहीं रखते, तो इस मामले में लेखक का कहना है कि उन्होंने क्लासरूम को क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस मान लिया जहाँ जनरल डिसिप्लिन और डेकोरम ज़्यादा ज़रूरी है और राइट उतने महत्वपूर्ण नहीं है, अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। तो लेखक की आपत्ति जो बहुत वैलिड भी लगती है ये है, इस मामले में कोर्ट ने कोई तार्किक विवेचन नहीं किया कि ऐसा क्यों है और ना उसका कोई अध्ययन उनके निर्णय में दिखता है, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ऐसा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बहस का सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है द एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको गौर से सुने, इसका हमको शुरुआत और ये कैसे क्या इसमें हुआ ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इसकी जो संदर्भ शुरू होता है वो है द एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन ओन्स इट्स एग्जिस्टेंस टू अ स्पीच मेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द रिलीजियस कॉन्सेप्शंस इन दिस कंट्री आर सो वास्ट दैट दे कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ थ्रू डेथ, ही सेड, आई डू नॉट थिंक इट इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट अ पोजिशन ऑफ दैट सॉर्ट। वी ऑट टू स्ट्राइव हेयर आफ्टर टू लिमिट द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इन सच अ मैनर दैट वी शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड बिलीफ एंड सच रिचुअल्स एज मे बी कनेक्टेड विद द सेरेमोनियल्स विच आर एसेंशियली रिलीजियस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट लॉज रिलेटिंग टू टेनेसी और लॉज रिलेटिंग टू सक्सेशन शुड बी गवर्न बाय रिलीजन। तो अम्बेडकर का ये कहना था और बहुत सही कहना भी था कि हमारे देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति की हर गतिविधि धर्म से नियंत्रित होती है, और जो कानून है कानून के लिए जरूरी नहीं है कि वो धर्म के मत को एक्सेप्ट करे, कानून को चाहिए कि वो चीज़ों को समझे और जो एसेंशियल चीज़ें हैं धार्मिक उनको छोड़ के बाकी में तार्किक विवेचन पद्धति अपनाकर उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि टेनेसी और सक्सेशन जैसे मामलों में धर्म के आधार पर ही सारे कानून बनाए जाएं। अम्बेडकर बहुत तार्किक व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और वे ये मानते थे कि चीज़ों को तर्क पर आधारित होना चाहिए, इस आधार पर चीज़ों को गवर्न नहीं होना चाहिए कि कहीं जैसा लिखा है वैसा ही जीवन चलना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं अम्बेडकर वॉज स्ट्राइविंग टू डिस्टिंग्विश द रिलीजियस फ्रॉम द सेकुलर बाय आर्गुइंग दैट द स्टेट शुड बी अलाउड टू इंटरवेन इन मैटर्स दैट आर कनेक्टेड टू रिलीजन बट आर नॉट इंट्रिंसिकली रिलीजियस। तो अम्बेडकर इस मामले में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो धार्मिक और सेकुलर में एक अंतर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें धार्मिक ये चीज़ें सेकुलर हैं। धर्म से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें वो सेकुलर की परिधि में आएंगी जो कि एकदम धार्मिक नेचर की ना हो और धर्म की एसेंशियल प्रैक्टिसेस ना हो। यहाँ दोस्तों जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और अगर हम पूरे विश्व में देखेंगे तो फ्रांस से लेके सऊदी अरब तक एक पूरा स्पेक्ट्रम है। फ्रांस सेकुलरिज्म के एकदम कोने पे है, मतलब उससे ज़्यादा सेकुलर कोई देश नहीं है, वहाँ जो सोशल वातावरण है वहाँ धर्म का प्रदर्शन करना ही उचित नहीं माना जाता, वहाँ हिजाब बैन है, वहाँ तिलक पे बैन, वहाँ हर किस्म के धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे सामाजिक जीवन में बैन है। धर्म आपका है, व्यक्तिगत परिधि में है, आप उसे व्यक्तिगत परिधि में पालन कीजिए, उसका सामाजिक या शासकीय जीवन में कोई रोल नहीं है। ये फ्रांस का सेकुलरिज्म है। अमेरिकन सेकुलरिज्म उससे थोड़ा माइल्ड है,
और जो हमारा भारत देश का सेकुलरिज्म है वो सर्वधर्म समभाव पे है, मतलब जो हमारा शासन है वो सभी धर्मों को समान भाव से ट्रीट करेगा। और फिर उसके एकदम दूसरे कोने पे वो देश हैं जिन्होंने एक धर्म को राजधर्म घोषित किया हुआ है, उसके और दूसरे कोने पे वो देश हैं जो एक धर्म के अलावा बाकी धर्म की प्रैक्टिस पर भी बैन लगा देते हैं। तो हम लोग इसमें बीच में आते हैं, सर्वधर्म समभाव वाले देश हैं। तो दोस्तों, ये अम्बेडकर जो कहना चाहते थे कि एसेंशियल मामलों को छोड़ के शासन को अनुमति होनी चाहिए नियम कानून बनाने को, इसी चीज़ का पालन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। इंडीड इट वॉज इन द वेन दैट सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कंसर्निंग शिरूर मठ 1954 हेल्ड दैट टू बी डिटरमाइंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एज एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। तो 1954 के शिरूर मठ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट कर लिया कि जो एसेंशियल पार्ट हैं धर्म के उनको अलग किए जाने की ज़रूरत है, कि इनके संरक्षण की ज़रूरत है, बाकी में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शासन सुधार कर सकता है। तो इस डॉक्ट्रिन के आने के बाद कोर्ट इज नाउ डिसाइडिंग नॉट ओनली व्हेन द स्टेट कुड लॉफुली इंटरफियर इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म बट ऑल्सो विच प्रैक्टिसेस आर डिजर्विंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये जो डॉक्ट्रिन आई शिरूर मठ के केस में, इसके बाद से कोर्ट को ये निर्धारण का राइट मिल गया कि कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो मूलभूत हैं और उन्हें संवैधानिक संरक्षण मिलेगा, और किन चीज़ों को शासन के हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक सुधार के पक्ष में बदला जा सकता है। दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन आई थी, इसी संदर्भ में जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उन्होंने सबरीमाला का जो केस था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन दिया, और ये बहुत प्रगतिशील सोच है और एकदम नई सोच है। ये प्रिंसिपल कहता था, प्रिंसिपल ऑफ एंटी एक्सक्लूजन इट्स एप्लीकेशन वुड रिक्वायर दैट कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट प्रैक्टिसेस असर्टेड बाय रिलीजियस ग्रुप्स इन फैक्ट एसेंशियल टू प्रोपोनेंट ऑफ इट्स फेथ बट रिगार्डलेस ऑफ सच ग्राउंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन will not offer protection to the practices if it exclude people on ground of caste, gender or other discriminatory criteria। तो चंद्रचूर्ण सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर essential है practice तो भी अगर वो caste, gender या अन्य किसी आधार पर भेदभाव करती है, स्पष्ट रूप से अतार्किक है, तो उसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल में एक प्रमुख मुद्दा जो हमारे लेखक छोड़ गए हैं वो ये है कि महिलाओं की दृष्टि से क्या हिजाब उचित है, और ये मेरे ख्याल से शायद कोर्ट में मुद्दा उठा भी नहीं, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया। लेकिन ये एक बड़ा बिंदु है कि हिजाब महिला स्वतंत्रता के लिए कहाँ तक उचित है, और हिजाब के बरक्स एक जो अन्य मुद्दा उठता है वो घूंघट का उठता है। तो सामान्य रूप से ऐसा होना चाहिए कि जो घूंघट का समर्थन करते हैं उन्हें हिजाब का भी समर्थन करना चाहिए, और जो हिजाब का समर्थन करते हैं उन्हें घूंघट का भी समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा दिखता नहीं है, हमको दिखता है कि जो हिजाब के विरोध में है वो घूंघट का समर्थन करते हैं, और जो घूंघट के विरोध में है वो हिजाब का समर्थन करते हैं। तो स्त्री स्वतंत्रता की दृष्टि से इस पर एक अलग से विचार किया जा सकता है, और वो एक अलग मुद्दा है, अभी हम इसी को समराइज करेंगे। तो जब भी हिजाब बैन पर बात हो तो जो टीवी में बड़ी बड़ी बहसें होती हैं उनको दिमाग से निकाल दीजिए, और इस पर चर्चा होती है या आपको किसी एग्ज़ाम में उत्तर लिखना होता है तो चार चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली है रिलीजियस फ्रीडम और डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, कि ये मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसमें एसेंशियल प्रैक्टिसेस की डॉक्ट्रिन क्या है। दूसरा, इन मामलों में इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ राइट टू प्राइवेसी और एक्सप्रेशन, मतलब प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कैसे प्रभावित हो रही हैं। तीसरी बात कि राज्य क्या अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है सब समाज को बेहतर बनाने के लिए। और चौथी बात, जो कानून आया है क्या वो कानून वास्तव में डिस्क्रिमिनेटरी है, या उस कानून को लागू करने में किसी से गलती हुई है उस वजह से समस्या हुई है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे या इस मुद्दे पर उत्तर लिखेंगे तो एक सार्थक उत्तर, एक सार्थक चर्चा होगी। फालतू में आरोप लगाने का कि ये वर्ग ऐसा है वो वर्ग वैसा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम सब मिलकर एक सार्थक बहस द्वारा सही समाज निर्माण की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
दोस्तों, अगर ये आर्टिकल आपको काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा ही विश्लेषण हम लोग रोज करते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी बिंदु विशेष पर हम आगे चर्चा करें तो कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से बिंदु पर चर्चा करते हैं। अंत तक साथ रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।